हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सर? पहले ये बताओ मुझे, आपको सबको मेरी जो सिखाई पेंटिंग समझ में आ रही है ना? और नंबर टू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब मैंने बोला था ना, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप लाइक तो करते नहीं हो, आप सबने बहुत लाइक किए, ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहो ताकि मैं मतलब खुश हो जाऊं और भी आपको अच्छा अच्छा सिखाऊं। अब आप ये देखो, एक बार अड्डे पर स्पैरो देखो कितनी ओरिजिनल लग रही है। ये स्पैरो मैं भूल गई सिखानी, फिर दोबारा कभी सिखाऊंगी। और ये फूल सारे देखो, ये जो बी स्टाइलिश नाम से चैनल है तो उनका बनाया हुआ ये डिजाइन है, तो मैंने स्क्रीनशॉट खींचकर ये बनाया है, तो किसी ने मुझसे बनवाया। आ जाओ, हम अब ये फूल बनाते हैं। अब ध्यान जो है इसमें फ्रेम में रखना आप, ठीक है? पहले मैंने पतले, इसमें ना पतले पतले कलर लगाने हैं, ये देखो पतले पतले कलर, बिल्कुल इजी है डिजाइन, बिल्कुल पतला पतला कलर लेना है, ठीक है? और ये जॉर्जेट का जो है ना कपड़ा है, और बहुत ही सुंदर डिजाइन है, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है पहना हुआ, जो बहुत ही रिच लुक लगेगा सूट में। तो ये मैंने उस डिजाइन की थोड़ी बहुत कॉपी की है, क्योंकि आपको पता है स्क्रीनशॉट क्लियर तो आता नहीं है। अगर मेरे पास ये डिजाइन आसपास होता, देख के बनाना होता, भले मोबाइल में ही होता, तो मैं इसको एक्यूरेट सेम टू सेम बना देती। अब थोड़ा बहुत 19-20 का तो जो है ना फर्क आ ही जाता है। ये आप देख रहे हो ना, मैं कभी येलो कभी वाइट इस तरह से जो है ना कलर मिक्स कर रही हूँ, और पतला पतला जॉर्जेट है ना, उस पर काफी पतला भी चल जाता है कलर, क्योंकि काफी पतला कपड़ा है ना जॉर्जेट का भी, और ये ना श्रिंक बहुत ज्यादा होता है। हमेशा पेंटिंग करनी हो ना जॉर्जेट पर, हमेशा धोकर करो उसको, ऐसे सीधा डायरेक्ट मत करो, क्योंकि फिर श्रिंक हो जाता है ना कपड़ा, उससे आपकी पेंटिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे कहीं कहीं ऑरेंज का और पर्पल का टच देना है, बहुत ही सुंदर फूल है ये। अब ऑरेंज क्या नाम है इसका, पर्पल कलर निकाल रही हूँ मैं, वो मैं भूल गई ट्रे में निकालना, अब निकाल रही हूँ। अब ये देखो यहाँ पे ना पर्पल कलर लगा रही हूँ, कहीं पर्पल लगा दो कहीं ऑरेंज लगा दो, ठीक है ना? ये देखो ऑरेंज और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन है, बाबा कलर का सूट है, पीच कलर का। अब धीरे धीरे इसकी ना मिक्सिंग कर देंगे। एक बार तो पतला पतला ही कलर करना है, उसके बाद जो है ना जैसे जैसे सूखता जाएगा फिर शेडिंग करते जाएंगे इस पर। बहुत ही सुंदर फूल है। अभी अभी मैं दो वीडियो जो है डालूंगी अलग से, पहले अब ये फूल की, फिर थोड़ा सांस लेके इसके लिव्स की, फिर एक बटरफ्लाई, इसी सूट पर मैं आपको तीन वीडियो बना देती हूँ। अब जब स्पैरो बनानी थी, मेरे आसपास कोई था नहीं फोन पकड़ने के लिए, तो उस स्पैरो फिर मैंने फटाफट बना दी। और आपको अगर मेरी पेंटिंग पसंद आती है, तो जो सीखने वाले हैं चलो वो तो सीख के खुद बना लेते हैं, और जिसको नहीं आती अगर वो देख रहा हो ये वीडियो, पर जिसको इंटरेस्ट होता है वही सीखने वाली वीडियो देखता है ना, पर जो भी कोई गलती से देख लेता है बाई चांस, तो वो जरूर मेरे पास जो है ना सूट बनवाएं, ऑर्डर करें, और मैं हर तरह की पेंटिंग कर लेती हूँ, कोई वॉल हैंगिंग सीनरीज वगैरह, लैंडस्केप पोर्ट्रेट कुछ भी बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। ये देखो अब हमने मिक्सिंग कर करके इसको, अब इसको थोड़ी देर ना सूखने देना है, थोड़ी देर सूखेगा ना, अब इसके अंदर हमने ब्लैक और रेड मिक्स है, मतलब पूरी तरह से ब्लैक नहीं है ये, ब्लैक और रेड मिक्स है, और वो कर दिया।
ठीक है। अब मैं देखती हूँ गीले गीले पर अगर होता है तो कर देती हूँ, अदरवाइज नहीं तो थोड़ा सा इसको हम सुखा लेंगे और फिर पेंटिंग करते हैं। बिल्कुल बारीक ब्रश से ना इसकी वाइट से इस तरीके से आउटलाइनिंग करनी है, बिल्कुल पतली पतली, कहीं पतली जैसे कहीं मोटी ऐसे। ये देखो ये मैं तो अब वीडियो बना रही हूँ, चलो फिर वीडियो ऐसे स्टॉप करनी पड़ेगी बीच में थोड़ी देर के लिए, तो इससे अच्छा मैं आपको मतलब सिखा रही हूँ। आप थोड़ा सा ना ये सूख जाए तो करना, जॉर्जेट पर जल्दी से सूखता भी नहीं है कलर। अब ये इसकी आउटलाइन हो रही है, ये है तो बहुत सिंपल सा फूल, बस इसमें थोड़ा थोड़ा बारीक बारीकी से चला मतलब काम किया गया ना, तो ये ज़्यादा अब जैसे अब थोड़ा थोड़ा ये सूख गया ना, अब कहीं कहीं बिना पानी मिला हुआ ना पर्पल कलर है जैसे, वो आप ऐसे ऐसे कहीं कहीं ऐसे शेडिंग करेंगे जैसे। ये देखो थोड़ा थोड़ा ये ब्लैक में भी ऐसे ब्रश को ऐसे कर दो तो वो ब्लैक भी थोड़ा मिक्स हो जाएगा। ब्रश को पूंछ के ना ऐसे करेंगे, ठीक। अब बिल्कुल जैसे जैसे सूखेगा ना, एक बार तो मैं इसके अंदर येलो वो कर देती हूँ, पर एक बार जब सूख जाएगा दोबारा कर देंगे, क्योंकि अभी गीला है ना ब्लैक, ऐसे करके ये देखो ये देखो। अभी तो मैं इस पे येलो चला रही हूँ तो वो ब्लैक कलर उतर रहा है, गीला है ना, तो अब एक बार तो ऐसे चला दिया, एक बार सूखने के बाद फिर येलो ऊपर दोबारा कर देना। अब बिल्कुल बारीक ब्रश से ना इसकी ब्लैक आउटलाइन करेंगे पतले पतले ब्रश से, ये देखो पतली पतली सी आउटलाइनिंग। और जो हमने ये येलो वाला किया ना, जब ये सूख जाएगा जैसे, तो इसकी भी ऐसे आउटलाइन करनी है, और येलो कलर एक बार फिर दोबारा लगा देना है, क्योंकि अब इसके आउटलाइन मैंने कर दिए जैसे, अब इसके अंदर एक बार और येलो कलर जो है ना दोबारा कर देंगे। अब जैसे ये सूख जाएगा थोड़ी थोड़ी जो है ना सूखने के बाद कहीं कहीं जो है ना शेडिंग, जहां आपको लगती हो ऑरेंज की कर देना, जहां लगती हो येलो की कर देना,
जब तक आपको ये लगे ना हाँ पूरी शेडिंग नहीं हुई, तो कहीं कहीं आप शेडिंग करते रहो। जैसे मैं अब एक साइड ऑरेंज का टच देना चाहती हूँ यहाँ पर, अब ये एक बार दोबारा से वो डिजाइन देख लो फ्रेंड्स। ये देखो जो हमने फूल बनाया है ये वाले फूल हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और बहुत बहुत लाइक करो। अब मैं देखूंगी इस वीडियो में कितने लाइक हैं, ठीक है, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी मुझे जो है अपनी मंजिल मिले। और मैं अब अगली वीडियो में बताती हूँ आपको बटरफ्लाई बनाना और लीव्स बनाना।